पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के सीपानकोट की बस्ती में भूस्खलन होने से 3 कच्चे घरों को नुकसान हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने घरों में रह रहे लोगों को पास के ही गढ़वाल धर्मशाला में शिफ्ट कराया है। साथ ही शहर के लक्ष्मणपुरी में आवासीय भवनों में मलबा आने से घर में रखा सामान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और कई अन्य घरों को भी खतरा बना हुआ है। पीड़ित लोगों का कहना है कि एनएच के पुश्ते के मलबे से घरों को नुकसान हुआ है। पानी जो आया यहाँ से सारा ये मिट्टी थी ऊपर और एमडी वालों को ये मिट्टी रखी हुई थी, ये मिट्टी जो है सारे नीचे बग के, हम 3-2 बच्चे रहते थे मेरे साथ में और एक मैं, तो बच्चे तो भाग गए बाहर, मैंने उनको बाहर भगा दिया और मेरे पाँव जो है वहाँ दब गया। बाल बाल बच्चे भवन के नीचे जो पुश्ता है पूरा नीचे से खाली हो चुका है और पूरा मलबा जो है नीचे आ चुका है यहाँ पे, और इस वजह से हम सब लोगों को जान माल का खतरा है, हम लोगों को भी और नीचे मोहल्ले के लोगों को भी। जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो रात को सब सोए रहते हैं तो उस टाइम बहुत जान माल का खतरा है सभी को। वहीं स्थानीय प्रशासन का कहना है कि अवैध तरीकों से लोगों ने ऐसी जगह घर बनाए हैं जहां लगातार खतरा बना हुआ है। साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष ने घटना के लिए एनएच पर ठीकरा फोड़ा है। ये लगभग 10-11 आदमी थे इन 3 परिवार के, ये लोग बाहर से आके यहाँ बसे हैं, अवैध अतिक्रमण है इन लोगों का, नगर पालिका की जमीन है और ये लोग अपनी जान की सुरक्षा भी ना करते हुए ऐसी जगहों पे बैठ जाते हैं जहाँ इनको जगह मिलती है। हटाया जाना उचित होगा, दूसरी जगह कहीं शिफ्ट किया जाना उचित होगा। इसका सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है, जो हमारी एनएच की सड़क है, हमारी जो पेटवल्डी की सड़क मोतीलाल नेहरू रोड है, जो लाइब्रेरी टू किंकरेज रोड है, सारी इनकी नालियाँ चौक है, सड़कों में पानी चलता है और सड़कों से बह करके इन कॉलोनी में पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि इनको यहाँ चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एनएच और जो पीडब्ल्यूडी है ये उनको देखना चाहिए। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों के लिए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। देवभूमि न्यूज के लिए मसूरी से आशीष भट्ट की रिपोर्ट।